हेलो फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत कंसर्न रहते हैं कि अपने बच्चे की ईयर पियर्सिंग कितनी एज में कराएं और कैसे कराएं। तो मैं भी लास्ट ईयर तक बहुत ज़्यादा कंसर्न थी इस बारे में, बहुत डरी हुई थी। फाइनली जब वो अपने 23rd मंथ में थी, हमने इसकी ईयर पियर्सिंग करा ली इन्हें रजिस्टर्ड क्लिनिक बाय द हैंड्स ऑफ ए एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, और गन शॉट मैथड था। तो थोड़ा तो डर लग रहा था हम लोगों को भी, बट आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। पहले कान के टाइम पे उसको समझ में ही नहीं आया, दूसरे कान के टाइम का वीडियो हमारे पास है, एक ही दिन में दोनों हो गए। तो बट इमिडिएटली आफ्टर दैट जब डॉक्टर ने बेटाडीन अप्लाई कर दिया कानों में, शी स्टार्टेड लफिंग। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स। तो हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक से निकले, फिर घूमने के लिए इसको लेके, इसका मूड थोड़ा बदलने के लिए थोड़ा मॉल भी चले गए। तो वहाँ के मोमेंट्स आप देख सकते हैं कि बहुत मस्ती भी की, उसने भी बहुत मस्ती किया, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बुरा नहीं था। ना ही इसके कान पके, ना ही कोई पेन हुआ। बस हाँ, पानी अवॉइड करना है, कान में लगने से पानी कान को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला था 28 दिन थोड़ा रेस्ट्रिक्शन के साथ पानी ना लगाए कान में। और दूसरी बात है कि उसको अप्लाई करना पड़ता है दिन में 3 या 4 बार बीटाडीन का जो ऑइंटमेंट आता है, या फिर जो भी ऑइंटमेंट डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। तो मैं सजेस्ट करूँगी गनशॉट मेथड अगर आप एडॉप्ट करना चाहते हैं पियर्सिंग के लिए, तो निश्चिंत हो के आप वो अप्लाई कर सकते हैं। बट डॉक्टर का परमिशन ज़रूरी है, और अगर आप डॉक्टर के हाथों से करवा पाएँ तो बेस्ट है। सो आप देख सकते हैं किस तरह से ईयर पियर्सिंग के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने ऐसे मस्ती की, मॉल में इतना धूम मचाया, खाया पिया, ट्रेन में चढ़े। सो एकदम निश्चिंत हो जाए, जिन जिन को ईयर पियर्सिंग थ्रू गनशॉट कराना है वो निश्चिंत हो के करा लें। माय बेस्ट विशेस टू ऑल दोस लिटिल बेबीज। और कुछ नहीं होता, बस मस्ती है, सब कुछ मस्ती है। कीप वॉचिंग माय चैनल। If you like our videos, then don't forget to subscribe our channel and click on the bell button so that you can keep yourself updated.